वेलकम टू मेथड ट्यूटोरियल्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने कंसेप्ट पढ़ा प्रोबेबिलिटी का, बेसिक फॉर्मूलास एंड कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी उससे कैसे निकालते हैं। प्लस डाइस का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है कार्ड्स का। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है फॉर 10th क्लास की बोर्ड्स में, ये एक फेवरेट टॉपिक है जो करने वाला है। कार्ड्स टोटल कितने हैं? टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं 52 में से 26 कार्ड्स ब्लैक एंड 26 कार्ड्स रेड होते हैं, ठीक है जी। 26 प्लस 26 मिलके 52 बना रहे हैं। इनकी फर्दर कैटेगरीज अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल 52 कार्ड्स बने कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जिसको हम एस बोलते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। अगर हम इसको काउंट करें यहाँ से लेके यहाँ तक 10 कार्ड प्लस 11, 12 एंड 13, तो ये 13 कार्ड्स हमें जो दे रखे हैं। इनकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। अब 13 × 4 आपको पता 52 होता है। 4 टाइप्स में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है इसके अंदर। फर्स्ट इज स्पेड, सेकंड इज क्लब, थर्ड इज डायमंड एंड फोर्थ इज हार्ट। इन क्वेश्चंस में अगर वो कलर की कैटेगरी पूछे आपसे तो स्पेड एंड क्लब बोथ आर ब्लैक इन कलर, ठीक है जी। तो डायमंड एंड हार्ट जो बचे वो दोनों रेड कलर के, ठीक है। अब देखिए 13 ये टाइप्स थे कार्ड के, 13 × 4 52 कार्ड्स बन गए। अगर वो आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड, हमारे पास कितने ब्लैक कार्ड्स हैं? 13 दिस स्पेड्स एंड 13 क्लब्स, 26 ब्लैक कार्ड्स, 50%। सिमिलरली अगर वो प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की पूछ ले सेम होगा, 13 डायमंड एंड 13 हार्ट्स, 26 फेवरेबल आउटकम्स हो गए और 53 टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अगर वो पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, अब फेस कार्ड्स क्या होते हैं, ये एक नया कंसेप्ट। फेस कार्ड्स में कईयों को ये डाउट रहता है कि एस फेस कार्ड्स में तो नहीं आ रहा, पर ये फेस कार्ड नहीं है। फेस कार्ड मतलब जिनके ऊपर फेस बने हुए हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, ठीक है जी। अब जैक, क्वीन और किंग में ये चारों कैटेगरी होंगी, स्पेड भी होगा, क्लब भी होगा, डायमंड भी होगा, हार्ट भी होगा। चार कार्ड जैक के हो गए प्लस चार कार्ड क्वीन के हो गए और चार कार्ड किंग के हो गए, तो इन तीनों का सम मिला के क्या बना? 12, ठीक है जी। तो फेस कार्ड्स में फेवरेबल आउटकम आपके हो जाएंगे 12/52, ठीक है। इसको आप फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हो। अगर मैं 4 के टेबल पे कट करूँ, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स क्या होगी? 3/13, ठीक है। अब अगर वो पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड, अब हमारे पास स्पेड कितने होंगे? देखिए ये स्पेड टोटल 13 कार्ड्स होंगे, एस का भी स्पेड होगा, 2, 3, 4, 5, इन सभी कार्ड्स के स्पेड्स होंगे। तो अगर वो स्पेड पूछ रहा है तो हमारे पास 13 स्पेड्स हैं अपॉन 52, प्रोबेबिलिटी इज 1/4। सिमिलरली क्लब की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, डायमंड की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी एंड हार्ट की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, ठीक है जी। और कार्ड्स में क्या है? अगर वो कहे 2 ऑफ स्पेड, ठीक है।
अगर वो कोई भी कार्ड बोलता है, कभी कह देगा टू ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड, तो टू ऑफ स्पेड मतलब वो सिर्फ एक टू के लिए स्पेड पूछ रहा है, तो मेरे पास टू का एक ही स्पेड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/52। ठीक है जी। ऐसे ही अगर वो एट का रेड कार्ड पूछ ले, सपोज एट ऑफ रेड कलर, तो एट ऑफ रेड कलर का मतलब एट के मेरे पास टोटल फोर टाइप्स हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, पर रेड कितने हैं, दो, डायमंड और हार्ट। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, 2/52। जब भी आप क्वेश्चन करते हो इसमें, इसको आगे फर्दर रिड्यूस जरूर करना है, क्योंकि टीचर कभी बार आपके मार्क्स कट कर देते हैं। आंसर इज 1/26। कार्ड्स के कंसेप्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 कार्ड्स ब्लैक है और 26 रेड है। ठीक है, ये आपको मेन चीज याद रखने वाली। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर फेस कार्ड्स के ऊपर बनते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि वो एस को फेस कार्ड्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, पर ये चीज़ नहीं होगी। जैक, क्वीन एंड किंग, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर जोकर ये कोई कार्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ कार्ड, ये हमारी कैटेगरी में पैक ऑफ कार्ड्स में नहीं आता। पैक ऑफ कार्ड्स में आपके यही कार्ड है जो मैंने आपको मैंशन करे हैं, फ्रॉम एस टू किंग। हर कार्ड की फोर वेराइटीज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनने वाले हैं इसके प्रोबेबिलिटी के। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पेपर्स में भी आए हुए हैं फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।